अरे मैं अपनी ज्वेलरी वहां ड्रेसिंग टेबल पर ही भूल आई हूँ, उठाने ही याद नहीं रहा मुझे। लापरवाही की हद है अमन। अम्मी जल्दी जल्दी, मैं भूल गई ना, ख्याल ही नहीं रहा मुझे। बाबा प्लीज आप गाड़ी मोड़ लीजिए। अच्छा बेटा परेशान मत हो, मोड़ लेते हैं आगे से गाड़ी। तुम ऐसा करो, शहरयार भाई को फोन करके बोल दो, वो उठा लेंगे। अरे वो खुद लापरवाह है, वरना मैं उनसे कह देती कि कल वो मुझे दे जाएं। समझ नहीं आ रहा। तुम शहरयार को फोन कर दो कि तुम ज्वेलरी लेने के लिए आ रही हो, जब तक वो संभाल के रखे ज्वेलरी को। जी अम्मी, मैं फोन करके कह देती हूँ उनसे। लेकिन भाभी मेरी बात समझने की कोशिश करें। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? कौन सा झूठ? आपने मुझे धोखा दिया, ऐनी को धोखा दिया, उसके घर वालों को धोखा दिया, हम सबको धोखा दिया। और आपने उन्हें ये जाके कहा कि आपको ब्रेन ट्यूमर है? नहीं नहीं बेटा, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा। जरूर तुम्हें गलत फहमी हुई है। ये किसने कहा तुमसे? जरूर शहरयार ने कहा होगा। तुम इसकी बातों पर यकीन मत किया करो, इसकी तो आदत है फजूल बोलने की। मम्मी ये क्या बताएगा मुझे, ये तो खुद आपके साथ शामिल है सब में। और जो जो इस घर में जिसको इस बात का पता था ना, वो सब शामिल है। सबने धोखा दिया मुझे, सबने झूठ बोला। ऐसी कोई बात नहीं है महरोज। बेटा तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी नहीं हुई मुझे, तो सिर्फ इस बात का कि सब में आपने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। और वो क्या समझ रही है? वो तो मुझे झूठा धोखेबाज समझ रही है ना। बेटा मैंने ये सब तुम्हारी खुशी के लिए किया। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, तुम्हें दुल्हा बना देखना चाहती थी, इसीलिए बस इसीलिए उनसे हकीकत छुपाई। नहीं मम्मी, आपने मुझसे वादा किया था कि आप उन्हें हकीकत बताएंगी, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपने मेरी खुशी के लिए नहीं किया, बल्कि अपनी खुदगर्जी के लिए किया। देखो अगर मैं ये झूठ ना बोलती तो वो कभी भी शहरयार की शादी एमल से ना करते। तुम खुद सोचो, अगर उन्हें पता चल जाता कि तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है तो क्या वो एमल की शादी शहरयार से करते? कभी भी नहीं।